के साथ पुष्प वर्षा करके जनता जनार्दन स्वागत कर रही है अपने प्रिय नेता का। जबरदस्त लोगों का उत्साह होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। अगर देखें तो पिछले 100 दिनों में 7वीं बार तमिलनाडु पहुँचे हैं। दक्षिण पर विशेष फोकस है भाजपा का इस चुनावी संग्राम में। कर्नाटक को यूं तो दक्षिण का द्वार माना जाता है, लेकिन इस सुदूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भाजपा का अपेक्षित प्रदर्शन नहीं रहा, और भाजपा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रही है इस राज्य में। क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के साथ भाजपा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन इस बार भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है तमिलनाडु की सियासी परिदृश्य को बदलने के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं चेन्नई से, जहाँ पर बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। सड़कों पर लोग दोनों तरफ कतारबद्ध होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और देखिए तो अलग अलग तरीके से, परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। कुछ लोग जनता भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर, तो कुछ लोग पौराणिक पात्रों के रूप में अपने को सज धज कर वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये विशेष आकर्षण देखने को मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं बहनें पहुँचती हैं, और एक अलहदा अंदाज, एक अलग विशिष्ट आकर्षण प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का लोगों को खींच लेके आता है। किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो लोग, लेकिन रोड शो की जब बात होती है तो बड़ी संख्या में जनता जनार्दन पहुंचती है अपने प्रिय नेता की एक झलक देखने के लिए। परंपरागत तरीके से स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रही है जनता जनार्दन। मौजूदा वहाँ के लोग, हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, हम देख रहे हैं तस्वीरें, लोगों का उत्साह देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का देख रहे हैं कि किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं जनता जनार्दन का अपने विशिष्ट अंदाज में। पुष्प वर्षा के साथ साथ क्या कुछ, कितना लंबा ये रोड शो, और क्या कुछ रोड के अपने वो हैं, मतलब जो रूट होगा वो क्या कुछ है, और हम देख रहे हैं कि उत्साह खुद बयां करते हैं इन दृश्यों में। ऋषि, हम अपने संवाददाता ऋषि कुमार से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं चेन्नई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर रहे हैं। इससे पहले अगर चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए कार्यक्रमों को अगर देखें, तो अनेक मंदिरों में जाकर, दक्षिण के अनेक जगहों पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की थी। और पिछले 100 दिनों में अगर देखें तो 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ज़बरदस्त उत्साह लोगों में, जनता पुष्प वर्षा करके अपने प्रिय नेता का स्वागत कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और साथ ही साथ जनता अभिनंदन कर रही तो अभिवादन का जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन के सामने सिर झुकाकर। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें लगातार प्रधानमंत्री का ये दौरा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में, अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि पिछले 100 दिनों में 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तमिलनाडु। दृश्य खुद बयां करते हैं लोगों का उत्साह, लोगों का जज्बा, लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति आकर्षण, कि किस तरीके से पुष्प वर्षा करके लोग अभिवादन कर रहे हैं, सेल्फी लेना चाह रहे हैं, इन दृश्यों को कैद करना चाह रहे हैं। क्या कुछ रूट है इस रोड शो का, और साथ ही साथ किस तरीके का उत्साह दिखता है जनता के बीच में? ऋषि, देखिए सुनी पॉन्टी बाजार श्रीनगर चेन्नई का ये इलाका है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं, उस माध्यम से जिसमें कि वो रोड शो के जरिए अभिवादन कर रहे हैं। जनता यहाँ पर उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई है, और हम जानते हैं कि चेन्नई की जो संस्कृति है, जो तमिलनाडु की जो संस्कृति है, उसको उन्होंने सीधे जोड़ा है। और पिछले अगर हम उनके यात्राओं के दौरान देखें, खासतौर से तमिलनाडु की यात्राओं के दौरान, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि जो भारत की जो सांस्कृतिक सौहार्द है, और काशी और तमिल का जो संगम है, उसको यहाँ पर विस्तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पूरे के पूरे रोड शो को अगर हम देखें तो यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं अपने गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से यहाँ पर उनके स्वागत में एकत्रित हुए हैं। हमने देखा है यहाँ पर स्वतः स्फूर्त ऐसे भी लोग थे कि जो यहाँ पर
एकत्रित हुए और उनके अभिवादन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे। और इसमें हमने तमाम दिव्यांगजनों को भी देखा, वो यहाँ पर आए हुए हैं और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और जो एक शैली है प्रधानमंत्री की कि रोड शो के माध्यम से वो सीधे संवाद करते हैं अपनी, जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से वो लोगों से जुड़ते हैं। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पुष्प वर्षा के माध्यम से और तमाम जो लोग हैं उनमें एक असीम उत्साह दिखाई दे रहा है इस मायने में, जबकि प्रधानमंत्री जब भी जनता के साथ मुखातिब होते हैं तो एक दोनों के बीच में, प्रधानमंत्री और जनता के बीच में एक सामंजस्य और एक जिसे कहते हैं तारतम्य बनता हुआ भी दिखता है। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की तो उन्होंने यही बताया कि जो इस समय माहौल है और इस माहौल में वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। जी ऋषि, अगर देखें चुनावी मौसम चल रहा है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया काशी तमिल संगमम का, सोमनाथ तमिल संगमम का, इन सब का आयोजन पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं, कई वर्षों से देख रहे हैं, राजनीतिक परिणाम या जनादेश, इससे इतर भी एक बात हम और यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो कहीं ना कहीं एक उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों में विलगाव की बात कही जाती थी, संस्कृतियाँ तो हमारी एक ही है लेकिन उसको व्याख्यायित या परिभाषित करने की कोशिश की जाती थी कि दो संस्कृतियाँ हैं, सच्चाई तो यह है सनातन संस्कृति आद्योपांत हिमालय से लेकर धनुषकोटि तक है। तो किस तरीके से जो सामाजिक सामंजस्य या जिस तरीके से हमारी जो परंपराएं हैं उत्तर दक्षिण की, दो परंपराओं में जो हल्की फुल्की खाई भी थी, जो चाहे वो वैचारिक हो चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो परंपरागत हो, वो भी पटी है अगर आप देखें तो पिछले वर्षों में, पिछले दशक में। बिल्कुल, देखिए अगर हम इस बात को रेखांकित करें कि इस दौरान जो खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की है और जिसको हम सफल होते हुए भी देख रहे हैं कि जो, जैसे कि आपने कहा कि एक कोशिश होती थी राजनीतिक स्तर पर, जबकि सांस्कृतिक और जो भारतीय स्तर पर इसको हमने कभी नहीं देखा है। अगर हमने देखा है कि भारत की सीमाओं पर अगर कोई नॉर्थ का है, अगर कोई पंजाबी है, सिख है, जट है, तो मराठी भी मैदान में रहा है। तो इस पूरे के पूरे माहौल को हमने हमेशा से देखा है, लेकिन सियासी रूप में अगर किसी ने इसको जोड़ने की कोशिश की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है। और इस कोशिश में उन्होंने इस बात को जनता के सामने रखा कि हम सब एक हैं और हमारी जो सांस्कृतिक और जो राजनीतिक पहलू है अगर उसको भी देखें तो वो सब एक हैं। और इसी वजह से काशी समागम के माध्यम से जो उत्तर दक्षिण का जो मेल है उसको यहाँ पर कराया गया। एक और आपको मैं घटनाक्रम बताना चाहूँगा जिसमें कि जो तमिलनाडु का एक प्रतीक है सेंगोल, उस सेंगोल को तमिल संस्कृति के से लेकर उन्होंने पूरे जो संसद में जब उसको पहुँचाया तो वो एक ऐसा लम्हा था जिसमें हर तमिल ने इस बात को अपना गर्व महसूस किया कि उन सब चीज़ों को आज एक ऐसे माहौल में रखा जा रहा है जिसमें कोई भी अलग नहीं है, सब मिलजुल कर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ये विकसित भारत के लिए जो संकल्पनाएं स्थापित की जा रही हैं उन संकल्पनाओं में इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, जो घटनाक्रम होते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और हम इन प्रतीकों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और यही जुड़ाव को स्थापित करने के लिए आज ये रोड शो दिखाई दे रहा है। जी जी, राजनीतिक तौर से अगर देखें ऋषि तो क्या कहेंगे कि कर्नाटक को दक्षिण का द्वार कहा जाता था, कर्नाटक में बीजेपी लगातार सरकार बनाने में भी अलग अलग अंतराल में वो कामयाब भी रही लेकिन तमिलनाडु में वो अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। अब इस पूरे प्रयास को या फिर इस तरीके के रोड शो को या इस तरीके से लगातार चुनावी धारदार प्रहार को, चुनावी प्रचार को क्या आप मान के चलते हैं ये भाजपा का दक्षिणा पथ अभियान है? देखिए सुनी, जहाँ तक ये इस चुनाव को अगर हम देखें तो ये चुनाव इस मायने में भी जाना जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार प्रयास किया अपनी ताकत के दम पर चुनाव में उतरने का। अब तक हमने देखा है कि डीएमके और एआईडीएमके के साथ मिलकर ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने में जुटी रही हैं। पहले भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी डीएमके और कभी एआईडीएमके के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ाया, उनके चुनाव के बाद गठबंधन हुआ, लेकिन ये पहली बार है कि जब वो यहाँ की स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने एक मोर्चा बनाया है और इस मोर्चे में 9 दलों की मदद से बीजेपी
राज्य के जो तमाम समीकरण हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो पीएम के हैं पचाली मक्कल गांची सबसे मजबूत साथी के रूप में उनके साथ है, और ऐसे ही तमाम जो घटक हैं जिनको की लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब बीजेपी को अगर इस मायने में सफलता मिलती है जो कि कोशिश कर रही है लगातार, और उन्होंने इन चुनावों के दौरान कोशिश यही है कि या तो अपने साथियों के साथ जहां वो जीतने की स्थिति में उनको मजबूत किया जाए, और अपने सिंबल पर भी तमाम साथियों को उन्होंने चुनाव में लड़ाया है। तो ये जो पुरजोर कोशिश है जो दक्षिण का रुख करके दक्षिण में अपनी फतह हासिल करने का, ये चुनाव इस मायने में जाना जाएगा कि किस हद तक प्रयास किए गए, और इन प्रयासों को रेखांकित करने के बाद जो सफलता मिलेगी उसके मायने में एक एक डाटा के रूप में भी ये रेखांकित हो सकता है कि जो चीजें पटक पर लाई गई थी उसमें कितनी सफलता हासिल हुई थी। जी ऋषि, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जबरदस्त उत्साह लोगों में, पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, लोग एक सेल्फी लेने के लिए इन क्षणों को कैद करने के लिए मोबाइल में अपने तत्पर दिख रहे हैं, उत्सुक दिख रहे हैं, आह्लादित दिख रहे हैं, और एक जबरदस्त उत्कंठा दिख रही है, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे माताएं बहनें, बुजुर्ग दिव्यांग, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। किन रूप में आप देखते हैं कि पिछले 100 दिनों में 7वीं बार प्रधानमंत्री की तमिलनाडु की यात्रा, कर्नाटक के बाद अब कहीं ना कहीं एक दक्षिणा पथ अभियान की तरह तमिलनाडु को भी फतह करने की कोशिश, राजनीतिक रूप से इन दृश्यों को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? विनोद मिश्र, देखिए मैं अभी सुन रहा था आपने रिपोर्टर ऋषि कुमार को, और ये मैं देख रहा हूँ जब ये दृश्य को, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अद्भुत, अकल्पनीय, कि ये अब तक जो डिस्कोर्स था कम से कम उत्तर और दक्षिण को लेके, आज वो मुझे लगता है कि जो संपूर्ण भारत की बात जब आप कहते थे अभी आपने अपनी चर्चा में कही है, तो मुझे लगता है कि सारी खाई जो है वो पटती नजर आई है। ये जितने उत्साह आप लोगों में देख रहे हैं और जिस तरह की उमंग है और पीएम को के अभिवादन ले रहे हैं सबका, तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि जब पीएम मोदी कहते हैं अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार का ये सबसे प्रतिध्वनि जो है वो इस लोगों के उत्साह से और इनके उमंगों से दिखाई देती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ऋषि कुमार अभी बता रहे थे कि इस दौर में जो नैरेटिव थे वो नैरेटिव कैसे ध्वस्त हुए हैं। नैरेटिव ध्वस्त हुए ये एक दिन का नहीं है, ये एक दिन का सुनी एक दिन में पूरा नहीं होता है। इस रोड शो में जो आप नजारा देख रहे हैं और जो प्रफुल्लित जो समाज है, वो सारे जगह के लोग किस तरह से लाइन में खड़े हैं चन्ने जैसा, इतने व्यस्तम इलाके में आप कह सकते हैं कि इतने लोगों में इतनी फुर्सत नहीं है कि लोग एक प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए यहाँ पे लंबे इंतजार करते और अपने अपनी बारी का इंतजार करते प्राइम मिनिस्टर को हाथ हिलाते हुए दिखे। लेकिन ये जो खाई पटी है इसके पीछे काशी तमिल समागम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो खाई पटी है वो पार्लियामेंट में इतने वर्षों के बाद तमिल संस्कृति का जो ध्वजवाहक संगोल है उसकी स्थापना है। ये खाई जो पटी है वो यूनाइटेड नेशन में जब प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि दुनिया की कोई भी अगर प्राचीन भाषा है तो ये हमारी तमिल भाषा है, ये तमिल संगम का जो एक पुराना हमारा इतिहास रहा है, भारत की पुरानी परंपरा और संस्कृति रही है, उसको पुनर्स्थापित किया है। तो ये लोगों में ये जो लोगों को बताया जाता था, लोगों को जो समझाया जाता था द्रविड़ के उस आंदोलन के बाद और उस नैरेटिव के बाद, वो लोगों को यथार्थ पता चला है जिस बात को पीएम ने करके दिखाया है। पीएम ने करके दिखाया है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है, भारत की सार्वभौमिकता एक है, भारत की संस्कृति एक है, तो उसकी आप प्रतिध्वनि देख रहे थे। दूसरी बात जो ऋषि कुमार कह रहे थे जो 9 पार्टियों का, वो कितना चेंज आने वाला है शायद 4 जून के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये सच में चौंकाने वाला है, जिसको पीएम अपने एड्रेस में बार बार नवरत्ना की बात करते थे। ये नवरत्ना आपको मैं यकीन दिलाता हूं अश्विनी कि ये यूपी का इफेक्ट लाने वाला है। अपने अपने क्षेत्र के जो समूह हैं वो अपने अपने लीडर अपने अपने इलाके में वो महत्वपूर्ण लीडर है, उनकी अपनी एक भूमिका है। बीजेपी ने पहली बार उन सारे लोगों के साथ में सारे टीम के साथ में एक अलायंस किया है और एक पावरफुल फोर्स बना है कन्याकुमारी से लेके और चेन्नई से लेके और सारी जगह पे आप देखिए कि बीजेपी के जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनके साथ में वो सारे फोर्स भी लगे हुए हैं।
दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पीएम के साथ आप अन्नामलाई देखते हैं कि पीएम ने अपने कार्यकर्ता पे, अपने कैडर पे, अपने अध्यक्ष पे कितना भरोसा किया है कि जिस दिन एआईडीएमके ने शिकायत की थी कि आपका बीजेपी के साथ हम एलायंस तोड़ लेंगे जब तक कि आप अन्नामलाई को नहीं हटाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी ने उस दिन नहीं माना और अपने अन्नामलाई को स्थापित किया, तो आज देखिए कि अन्नामलाई इन सारे एआईडीएमके डीएमके के अगेंस्ट में एक ग्रुप बन गए हैं, एक सेंटर बन गए हैं, लोगों में एक यकीन दिलाया है जमीनी स्तर पे काम करके, ईमानदारी से काम करके हम कर्नाटक में, हम तमिलनाडु में एक नई दिशा ले जा सकते हैं राजनीति में, और इसको ये साबित किया है। तो पीएम मोदी के साथ जो अन्नामलाई साथ साथ खड़े हैं, तो ये उनकी भी भूमिका, आप कह सकते हैं कि एक नेतृत्व की भी भूमिका है, तो कार्यकर्ताओं की भी भूमिका है जो तमिलनाडु में इतने वर्षों से जघन, आप कह सकते हैं कि लगातार मेहनत करके पिछले दो साल से वो डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, और ये भीड़ आज उनके उस मेहनत का एक प्रतिफल दिखाई देता है। अश्विनी, निश्चित तौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके से विनोद जी ने कहा कि एक लगातार सतत प्रयास पूरा का पूरा भाजपा का रहा लगातार इस दक्षिणी राज्य में, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो निश्चित तौर से सभी राजनीतिक दलों के लिए विशिष्ट इस मायने में भी होंगी कि किस तरीके से राजनीतिक रूप से अनुर्वर धरती पर भी एक सतत मेहनत करने के बाद आज भाजपा एक अपनी जबरदस्त जनसमर्थन की फसल दिखा रही है पूरी दुनिया को, पूरे देश को, दूसरे राजनीतिक दलों को। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर आप देखें तो किस रूप में इस चुनाव को देखते हैं? आपने कहा कि बेहद अहम होगा ये चुनाव सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, तो विनोद जी ने इसे व्याख्यायित किया ही, राजनीतिक रूप से इसके बड़े प्रतिध्वनि सुनाई देंगे जो भी आएंगे, क्योंकि ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब एआईएडीएमके से भाजपा का गठबंधन नहीं है, ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब राजनीतिक शून्य के रूप में एआईएडीएमके का करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व जयललिता का तमिलनाडु की राजनीति में नहीं है, ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों राजनीतिक दलों का जो कि स्वाभाविक एलाई के रूप में माने जाते थे एआईएडीएमके और बीजेपी, वो साथ साथ नहीं है, लेकिन तमिल मनुला कांग्रेस और पीएमके जैसे राजनीतिक दल हैं, किस रूप में देखते हैं जो वैक्यूम या फिर जो राजनीतिक कमी या फिर राजनीतिक रिप्लेसमेंट की बात आती है, चाहे वो कांग्रेस विरोधी मतों का हो, चाहे वो एआईएडीएमके के राजनीतिक रस्साकशी से उपजे मतों का हो, या फिर डीएमके विरोधी मतों का हो, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा की नजर है? ऋषि, देखिए सुनिए, अगर हम तमिलनाडु की सियासत को देखें तो तकरीबन 57 साल से हमने देखा है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो यहाँ की राजनीति में या तो एआईएडीएमके या डीएमके के साथ ही सफल आगे बढ़ पाई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब ये तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रही है तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब हम कर्नाटक से आगे बढ़ेंगे, और कर्नाटक में जब आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया था तो उसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई, और उस रणनीति में उन्होंने ये पाया कि जो एआईएडीएमके का इस समय जो स्थिति है, हमने देखा था कि अन्ना और अम्मा के आसपास पूरी राजनीति तमिलनाडु की रहती थी, आज एक तरफ से शून्यता दिखाई दे रही है, वहाँ बिखराव भी है, नेतृत्व की कमी है, तो एक बड़ा वोट बैंक है जो कि इस समय चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि डीएमके के विरोध में अब वो उस तरीके का तीखा विरोध कहीं नहीं दिखाई देता, अगर वो दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसको सीधे काउंटर करना चाहती है और उन लोगों की आकांक्षाओं और उपेक्षाओं को समाहित करके एक नेतृत्व देना चाहती है। इसी तरीके से हमने देखा कि विनोद मिश्र जी कह रहे थे कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने कार्यकर्ता में भरोसा दिखाया और अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक तरफा फैसला लेते हुए कहा कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है बल्कि हम उन लोगों के साथ जाएंगे जो हमारे नेचुरल अलाइज हो सकते हैं और जिनको हमें जरूरत है और जिन्हें हमारी जरूरत है, और ये एक नेचुरल अलाइज के तौर पर जो नवरत्नों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, हम कह सकते हैं कि आज INDIA का जो अलाइंस है कहीं पर बिखरा है, कहीं पर जुड़ा है, कहीं मिल रहे हैं, कहीं बिखर रहे हैं, कहीं पर साथ में है, कहीं पर विरोध में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी प्रचंड सफलता के बाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर तमिलनाडु हो, कहीं पर भी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि जो उनके नेचुरल अलाइज हो सकते हैं, जो उनके साथी हो सकते हैं,
जो उनकी विचारधारा से जुड़ सकते हैं उनको कहीं भी जोड़ने में कोई कसर छोड़ी गई हो। हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे एलाइंस को तमाम सम्मान दिया और ऐसे ऐसे लोगों को तमाम जो भागीदारी दी है। सत्ता में भागीदारी का सबसे बड़ी जो संकल्पना है भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित की है, आज उसकी सफलता का ही कारण बन रहा है। चाहे वो सामाजिक रूप से सत्ता की भागीदारी प्रदान की गई हो, राजनीतिक रूप से सत्ता की भागीदारी प्रदान की गई हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सामंजस्य में उन लोगों को समाहित किया है जो उनकी विचारधारा, उनके नेतृत्व और देश के विकास और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। इसी वजह से ये मैं कह रहा हूँ कि चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होगा और डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है आने वाले समय में, जिसको कि इन प्रयासों के तौर पर, प्रधानमंत्री के प्रयासों के तौर पर हम देख सकते हैं। 100 दिनों के अंदर तीसरी सातवीं बार वो उनका जो यात्राएं हो रही हैं, कल भी हम देख रहे हैं कि उनका एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार जिस तरीके से कल उनकी 2 जनसभाएं हैं तमिलनाडु में, तो लगातार वो जब जनता के साथ जुड़ रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम जरूर आएगा जी। और इन परिणामों को जब हम कहते हैं कि हर एक इनपुट का आउटपुट होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है कि वो अपनी कहते हैं ना मेहनत की पराकाष्ठाओं को आगे बढ़ा देते हैं। कई बार हमें देखना पड़ता है कि भारतीय राजनीति में जो नेता है मेहनत करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अगर उन्हें किसी से सीखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखें कि किस तरीके से जहाँ पर शून्यता है वहाँ पर वो शिखर में उसको कन्वर्ट करते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो सियासी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करती है आजादी के बाद, जो हर चीज को जिम्मेदारी से लेता है और हर चीज की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए जनता के साथ संवाद करता है। तो ऐसे नेतृत्व में जब जनता का भरोसा बढ़ता है तो उसके परिणाम बहुत सकारात्मक होते हैं और ये परिणाम हमने त्रिपुरा में देखे हैं। अश्विनी, अगर कोई भरोसा नहीं कर सकता था कि वहाँ पर त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 70% बहुमत से वहाँ पर सरकार बनाएगी, तो ये जो तमाम कायाकल्प हुआ है, इसमें जो रणनीति है, जो सामंजस्य है, सहभागिता है, साझेदारी है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम सहभागिता और साझेदारी को विस्तार नहीं देते हैं, राजनीतिक विस्तार देना बड़ा मुश्किल होता है। सुनिए, इस तरह हम तमाम दृश्यों को देख रहे हैं, जिस तरह जनता में तमाम उत्साह है और लोग नारे लगा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनका अभिवादन ले रहे हैं, निश्चित तौर से भी आज वो एक विशेष तरीके की ऊर्जा लेकर यहाँ से जाएंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी की भी ऋषि इसी में एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, इस तरीके की जो दृश्य हम देख रहे हैं, जिस तरीके की दीवानगी हमने नेताओं के प्रति दक्षिण में देखी है, माफ करिएगा अभिनेताओं के प्रति दक्षिण में देखी है, पूरी की पूरी दक्षिण की राजनीति अभिनेताओं से भरी पड़ी रही है। किसी नेता को इस तरीके का विरला दृश्य है कि इस तरीके से जनता जनार्दन का जबरदस्त उत्साह मिलता दिखाओ। बिल्कुल, देखिए असीम, हम कहते थे ना पहले क्राउड पुलर हमें चाहिए होते थे सियासत में। तमाम राजनीतिक दल इस बात की कोशिश करते थे कि कुछ ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए जिससे कि लोग उन्हें देखने के लिए आए। आज भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को स्थापित किया है और वे क्राउड पुलर बन गए हैं, लोग आज उनको देखने आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को किसी अभिनेता की जरूरत नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्य है, जो कामकाज है और जो शैली है, उसको यहाँ पर हम रेखांकित होते हुए देख रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन में हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर हम जो अभिवादन करते हुए जो लोग हैं, ये उस समय जो नारे हैं मोदी मोदी के नारे वो लगाते हुए लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। और अभिवादन के साथ साथ जो एक सामंजस्य दिख रहा है, जो नेता और जनता के बीच में जो कनेक्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है। और राजनीतिक रूप से हम देखें जी, तो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कभी नहीं भूलते हैं कि तो अपना जो चुनाव का जो सिंबल है वो दिखाया जा रहा है, हाथ में सिंबल है और इस सिंबल को जनता भी लिए हुए है और नेता भी लिए हुए है। जी ऋषि, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ विनोद मिश्र भी जुड़े हुए हैं।
विनोद जी, तस्वीरें किसी राजनीतिक दल की नींद उड़ा देने के लिए पर्याप्त है विपक्षी राजनीतिक दलों की, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण की राजनीति कहीं ना कहीं क्षेत्रीय छत्रपों और क्षेत्रीय दलों पर ही समाहित थी, राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल थे उनकी वहां पर उतनी पैठ नहीं थी, पहली बार दिख रहा है। हल्का सा हम जिक्र ये करेंगे कि केवल ये राजनीतिक यात्रा के ही रूप में न देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चाहे वो साउथ का कनेक्ट हो, चाहे वो श्रीनगर किसी जम्मू कश्मीर का कनेक्ट हो, याद दिलाना चाहेंगे 1991-92 में जब एकता यात्रा हुई थी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, उस यात्रा के संयोजक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु कन्याकुमारी से श्रीनगर की पूरी यात्रा की। ये पूरा 30-34 वर्षों का जो पूरा का पूरा तप और तपस्या है वो कहीं ना कहीं भी एक बार फलीभूत होती दिखती है, तब जबकि अब राजनीतिक रूप से उसको उसके लाभ भी लिए जाने की स्थितियां बन रही। विनोद जी, अश्विनी मैं सुन रहा था, आप अभी ऋषि जी से पूछ रहे थे, मुझे बहुत शानदार ये सवाल लगा था कि तमिलनाडु में जो लोगों की ये ललक है और जो लोगों में जो उत्साह है, उमंग है सड़क पे चलते हुए, अभी प्राइम मिनिस्टर का लगभग ये काफिला कम से कम मुझे लगता है 3-4 किलोमीटर का ये चल चुका होगा काफिला, लेकिन आज तक तमिलनाडु में ये भीड़ जो है, जो चीयर्स है, वो अभी तक फिल्मी चितारों को और फिल्म से जुड़े हुए लोगों को ही मिलता था। ये बात हमने देखी है राजनीति में, आपने भी देखी होगी, चाहे वो AIDMK का जयललिता हो या नद्रवी का आप देख लीजिए, करुणानिधि का देख लीजिए, सारे लोग फिल्म के बैकग्राउंड से आते थे और सब लोग उनको जानते थे, जब ये स्क्रीन पे पॉपुलर हुए हैं, अपने अपने किरदार में पॉपुलर हुए हैं, तो जनता ने उनको सर आंखों पे बिठाया और उनको एक मान लिया कि ये हमारे हीरो है। लेकिन राजनीतिक शख्सियत के रूप में आज अगर ये देश देख रहा है उस तमिलनाडु के चेन्नई से, अगर वो देश देख रहा है कि एक नेता के लिए भी लोगों में ये जिज्ञासा है, एक नेता के लिए भी लोगों में वो भावना है जो उसको चीयर्स करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल के घंटों का इंतजार कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि डिस्कोर्स पीएम मोदी ने तो बदला है। जो रियल लाइफ और रियल लाइफ की बात आप जब करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने रियल लाइफ में जो एक हीरो बनके दिखाया अपने संघर्ष पथ के 50 साल का, वो मुझे लगता है कि जनता उन्हें मानती है इस बात को कि पीएम मोदी ने डेफिनेटली इस देश के लिए और इस देश के संघर्ष में अपने को स्थापित किया है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं इस देश के जनमानस के वो हीरो है। तो चेन्नई में इस भीड़ को देख के जब एक बात और मुझे याद आती है, आपने बहुत शानदार सवाल किया था कि लोग वहां रेसिप्रोकेट करते हैं, नेता हो या अभिनेता, लोग खुल के आते हैं। आप में हैरानी नहीं होगी, और पार्टियों की रैली निकल रही है, और पार्टियों के रोड शो हो रहे हैं, लोग आते हैं, लोग उसके भीड़ में जुटते हैं, लेकिन ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, ये जो फूल बरसाते हुए सड़क के दोनों किनारे आप देख रहे हैं, ये शायद कम ही लोगों ने देखा होगा, हमने तो शायद पहली बार देखा है इस दौर में। ये सब अद्भुत इसलिए भी हो रहा है, जब आपको मैंने बताया ना कि जब आप उस नैरेटिव को खत्म करते हैं, जब आप इस नैरेटिव को खत्म करते हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे अश्विनी, आपको याद होगा कि जैसे ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई थी, तो एक डिस्कोर्स तमिलनाडु से शुरू हुआ कि मोदी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी, ये बीजेपी रह गई है, दक्षिण में इनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने इस रोड शो में उन सारी चीजों को झूठा करार दिया है। और ये झूठा करार देने से वो कनेक्शन कैसे जोड़ा है, आपको बेहतर याद होगा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था और पीएम ने जिस समय में 11 दिनों का वो संकल्प लिया था, तो उसकी शुरुआत उन्होंने कन्याकुमारी से की थी। तो रामलला विराजमान अयोध्या में आ रहे थे, मंदिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या में हो रही थी, लेकिन संकल्प की शुरुआत तो कन्याकुमारी से हो रही थी। ये कनेक्शन जो भारत का है, उस समय में लोग नहीं समझे थे, लेकिन आज ये देश देख रहा है कि वो कनेक्शन क्या होता है। तो इस तरह की चीजें जब मैं हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, ऋषि ने बहुत शानदार तरीके से उसको रखा पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, तो ये बात माननी पड़ेगी कि ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक दिन की कुछ यात्रा से नहीं बात बनती है, ये सतत प्रयास होता है लोगों के बीच जाने का। और विनोद जी, मैंने जिक्र किया कि 1991-92 की एकता यात्रा की, जिसकी शुरुआत डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ हुई और समापन श्रीनगर हुआ, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ। और मैं कह रहा हूँ कि इस बार पीएम ने कन्याकुमारी से शुरू की थी, तो आप इस बात को, हमें इस बात को यकीन मानना पड़ेगा कि पीएम का जो प्लान है और पीएम जिस प्लान को लेके आगे बढ़ते हैं, ये बाद में
लोगों को पता चलता है और लोग बताते हैं, चौंकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत लंबे गहन चिंतन और उसकी प्रक्रिया से गुजरती है। और उसके बाद जब पीएम एक रोड शो लेके आते हैं और जब ये नजारा हम देखते हैं तो लोग सच में चौंक जाते हैं कि क्या तमिलनाडु में, क्या चेन्नई में इस तरह के रोड प्रदर्शन और इस तरह के लोगों की स्वीकृति, ये शायद हम कह सकते हैं कि ये इससे पहले कभी हुआ और शायद होगा कि होगा नहीं होगा ये बता तो नहीं, लेकिन लोगों ने ये बात बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। जी विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, ऋषि कुमार जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, ऋषि आप लंबे समय से तमिलनाडु में हैं, बहुत करीबी आप राजनीतिक विश्लेषण सभी राज्यों के अंदर, इससे पहले के कई चुनावों को भी आप दक्षिणी राज्यों ने आपने कवर किया है, इससे पहले के कई चुनावों को भी आप राजनीतिक पंडित या फिर भाजपा की अपनी उम्मीद वो ये कह रही है कि कर्नाटक जैसा ही नया इतिहास, कर्नाटक जैसा ही एक गढ़ कहीं तब्दील हो सकता है तमिलनाडु भाजपा के लिए, किस रूप में जमीनी हकीकत वहां पर दिखती है। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आक्रामक प्रचार शैली हो, चाहे उनके आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष हो, एक नया आकर्षण कहीं ना कहीं और साथ ही साथ नया जो राजनीतिक वैक्यूम में निर्वात है उसका भी स्थान ग्रहण करने की कोशिश में है, उसका भी स्थान ग्रहण करने की कोशिश में है। बिल्कुल, देखिए असली ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब राजनीतिक फलक जब सियासत को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन मुद्दों और रणनीति में जो संभावनाएं हैं क्या वो वास्तव में हैं। तो ये जो चीजें हैं उन सबको बीजेपी ने भापा है और उस तरीके से इस पूरी की पूरी कहानी में वो इस बात को रेखांकित कर सकते हैं कि आज तमिलनाडु की राजनीति में उन्हें इस बात का अवसर मिला है कि एक ईमानदार प्रयास किया जाए तो उसको सफलता में बदला जा सकता है। और इसी प्रयास के रूप में उन्होंने अपने स्थानीय नेता को पलक पर फील्ड पर लाए और उनके जो प्रयास रहे हैं उसमें अपनी मैंने देखा है कि जो युवा है उनके बीच में वो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और हुए हैं, क्योंकि जो युवा है वो मुझे लगता है कि इस राजनीति में खासतौर पर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो युवा है उन्होंने दो ही तरीके की राजनीति देखी है, डीएमके और एआईडीएमके। हालांकि जो द्रविड़ आंदोलन है उसने तमिलनाडु की राजनीति को बहुत ज्यादा गहरा किया था, लेकिन उसी आंदोलन से आगे बढ़कर आज तमिल और काशी संगम को एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में आगे बढ़ाते हुए बीजेपी दिख रही है। ये एक सियासी मायनों में ही नहीं बल्कि देश के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी एक नया पैराडाइम शिफ्ट दे सकता है, क्योंकि इससे हम ये स्थापित करने में सफल हो सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने प्रयास किए, उसकी क्या क्या संभावनाएं थी और उन संभावनाओं को किस तरीके से ईमानदारी से उसका प्रयास किया गया। मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि ईमानदारी प्रयास इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो अध्ययन के बाद और विश्लेषण के बाद ये पाया कि उन्हें क्या क्या संभावनाएं ऐसी हैं जिनको कि वो जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, और वो नवरत्नों का जो संकल्प है और जो संकल्पना है वो बताती है कि वो किस तरीके से एक विशेष जानकारी के आधार पर, डाटा के आधार पर इन चीजों को तय कर रहे हैं, जो उनके सहयोगी और साथी बन सकते हैं उन्हीं को जोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आते हैं और अपना दमखम दिखाकर जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, नहीं, वो यहाँ की स्थानीय संस्कृति और नेतृत्व को आगे लेकर उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू है और इस वजह से मुझे लगता है कि जब भी बीजेपी को इसमें वो तो चुनावों के परिणाम के वक्त ही पता चलेगा, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो उन सब उस समय इन सब चीजों का विश्लेषण किया जाएगा कि किस तरीके से जो प्रयास की गई थे उनका ये परिणाम हमें मिला। निश्चित तौर से ये चीजें जनादेश में आएंगी, लेकिन ये तस्वीरें अद्भुत हैं, विलक्षण हैं और विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उन्हें सचेत करने के लिए भी है, रणनीतिक तौर से उन्हें जागृत करने के लिए भी है। जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा है चेन्नई की सड़कों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में सड़कों के दोनों किनारों पर युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग हर कोई पहुंचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता के अभिनंदन का वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, नतमस्तक है जनता जनार्दन के सामने और साथ ही साथ भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल को हाथ में थामे कहीं ना कहीं अपील भी कर रहे हैं इस लोकसभा के चुनावी समर में।
भाजपा को और ज़्यादा जनाधार देने के लिए। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी से पहले ऋषि जी ने जिस तरीके से बताया कि ये बहुत ईमानदारी भरा प्रयास किया गया, इससे पहले मैं कह रहा था कि ये आज की स्थिति नहीं है। इससे पहले चर्चा की गई काशी तमिल संगमम, सोमनाथ तमिल संगमम, ये सब क्या विपक्षी दल ये कह सकते हैं कि केवल संयोग नहीं है, चुनावी प्रयोग है। लेकिन विनोद जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी को धनुषकोटि में लोग ध्यान लगाते देखते हैं, जब सागर में अवगाहन और स्नान करते हुए देखते हैं, अग्नि तीर्थम में जब स्नान करते हुए देखते हैं, तो एक जो सांस्कृतिक विभ्रम की स्थिति थी, चाहे वो उत्तर की हो दक्षिण की हो या फिर क्षुद्र राजनीतिक हितों में एक दूसरे को बांटने की थी, राजनीति से भी इतर कहीं ना कहीं उन खाइयों को भी पाटने का काम होता है जब ये दृश्य लोग देखते हैं, और वो खाई पटती हुई भी दिखती है इन दृश्यों में, मौजूदा दृश्यों में। असल में अभी ऋषि जी बात कर रहे थे, आप लोगों ने बहुत बढ़िया इसको संवाद में लाया था और ये चर्चा में जो ईमानदार कोशिश वो कर रहे थे, तो मैं डिफरेंटली इस पे मैं थोड़ा सा, मुझे आप दीजिएगा 2 मिनट टाइम, कि ये इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ईमानदार कोशिश, और ईमानदार कोशिश की बात आप जब करते हैं तो हमें कम से कम इस बात का सवाल आज हम पूछ सकते हैं अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि 50 साल हो गए कांग्रेस को दक्षिण से विदा हुए, खास करके तमिलनाडु से विदा हुए, और 50 साल से कांग्रेस अपनी उस पार्टी को अपनी वहां पे एक बेस नहीं बना पाई, वहां एक आधार मजबूत नहीं कर पाई। कांग्रेस उस जबीर आंदोलन के साथ में कभी AIDMK और कभी DMK के साथ में किसी तरह से अपना वो खाना पूरी पूरा करते रहे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व कभी ये नहीं सोचा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उनकी एक जिम्मेदारी है कि तमिलनाडु की तरह तमिलनाडु में भी जाएं और लोगों के बीच में काम करें, लोगों के बीच में संवाद करें। इसलिए वो पार्टी सिर्फ अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके या भारत जोड़ो यात्रा करके तमिलनाडु पहुंचते हैं तो इसको टोकेनिज्म कहा जाता है। लेकिन जब यही भारतीय जनता पार्टी ने यह ठान लिया कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तमिलनाडु में भारत के एक अभिन्न जो वो हिस्सा है, भारत के एक सांस्कृतिक गौरव का जो शीर्ष रहा है तमिल समागम और तमिल के लिटरेचर, उसके बीच में पहुंचे, तो आज ये कामयाबी के रूप में आप देखते हैं। ये एक दिन का प्रयास नहीं है, इसके पीछे हजारों कार्यकर्ता, अन्नामलई जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व और पीएम मोदी जैसा साथ निभाने वाला वो नेतृत्व, और उस बात को करके दिखाया है कि आप जब लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, तो ये सारे नैरेटिव जो उत्तर दक्षिण की थी वो चीजें खत्म होती है, एक राष्ट्रीय पार्टी की भी भूमिका बनती है। आज तमिलनाडु में बीजेपी ने 19 कैंडिडेट दिया है, ये समझने की चीज है कि 19 कैंडिडेट देके अपने नवरत्ना के साथ में वो पार्टी मजबूती के साथ डीएमके को चैलेंज करने के लिए खड़ी है, जो डीएमके आप सोच लीजिए जिनका राजनीतिक पूरा अस्तित्व सनातन विरोध का रहा है। अभी आपने जैसे देखा कि अन्नामलई और बीजेपी का वहां कद बढ़ा, लोगों के बीच संपर्क बढ़ा, तो आपने देखा कि उदयनिधि स्टालिन ने लगातार कैंपेन चलाया सनातन के अगेंस्ट में, कॉलेजों में, स्कूलों में एक तरह से सेमिनार कराना शुरू किया कि सनातन का खात्मा, और वो एक तरह से उस चीज को पिछले 50 साल पुरानी उस परंपरा को लाना चाह रहे थे, एक विद्वेष समाज में लाना चाह रहे थे, उस सारे नैरेटिव को कहीं जगह नहीं मिली तमिल। ये तमिलनाडु बदला है, ये तमिलनाडु बदला है कि तमिल समागम के में जब आप काशी की बात करते थे, जब ट्रेनों में लोगों की वो भीड़ देखते थे तमिलनाडु से आते हुए और उनका जो गान देखते थे, आपने भी कई बार दिखाया है, तो सचमुच में भारत के लिए गौरव का वो क्षण था। तो ये गौरव का क्षण जुटाने में, ये बनाने में, ये जो एक भाव है उसको वहां के लोगों में पैदा करने के लिए समय जरूर इसका लगा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आज हम लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो पीएम मोदी के साथ उस काफिले में चलते हुए हजारों हजार लोगों की वो भीड़ को जब हम देखते हैं, तो आप सच में यकीन मानते हैं इस चीज को कि आप लोगों में जाएंगे और सच्चे मन और निष्ठा से मेहनत करेंगे तो चीजें बदलती है, और किसको आज बीजेपी ने बदल कर दिखाया है, ये कामयाबी तो आपको देनी होगी जी। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, ये दृश्य जो है, ये जन समर्थन, ये जन सैलाब किस रूप में आप देखते हैं? ये शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अलग अलग राजनीतिक समीकरण होते हैं, लेकिन ये दृश्य जरूर कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि तमिलनाडु जो कि दक्षिण का प्रमुख राज्य है, वहाँ पर भाजपा ने एक सतत प्रयास के बाद अपनी राजनीतिक जमीन में एक अच्छा जनार्दन, अच्छा जन
अच्छा जनता जनार्दन से समर्थन उन्हें हासिल है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। हमारे दो संवाददाता ऋषि कुमार और विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम उनको शुक्रिया कहेंगे। और निश्चित तौर से हम ये कहेंगे कि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भाजपा को आह्लादित करने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जनता जनार्दन पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का चुनाव चिन्ह हाथ में लिए हुए लोगों के सामने नतमस्तक होकर चुनावी संदेश भी दे रहे हैं, साथ ही साथ